हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? इट इज फनी टिकटॉक इन हिंदी। यू लाफ यू लूज। चलिए देखते हैं इसमें हमें हंसते हैं कि नहीं। मैं नहीं हंसूंगा गाइस, लेकिन सही है, हंसी आ गई तो हंसूंगा गाइस। हंसी तो आएगी यार गाइस, गाइस। चलो वीडियो देखते हैं, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरे न्यू चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। BTS K-pop और के ड्रामा के लिए स्पेशली चैनल बनाया है, उसको सब्सक्राइब करो जल्दी से। उधर 1000 सब्सक्राइबर करो, फिर उधर वीडियो आया करेगी BTS K-pop की ज़्यादा से ज़्यादा उधर एक्सप्लोर किया करूँगा और BTS को। तो जाओ जाकर अभी सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चले वीडियो देखते हैं, हियर वी गो। अरे भाई साहब, ये ट्रेन क्यों नहीं पटरी आ गए? भैया भारी वर्षा के कारण। तो वर्षा को ट्रेन में से उतारो ना। कहने को सिर्फ लेडीज फर्स्ट है, लेकिन मैसेज हमेशा लड़के पहले करते हैं। हाँ यार, कितना खुश नसीब होगा वो घर। अरे कितना खुश नसीब होगा वो घर जिस घर का मैं दामाद बनूंगा। अगर आपके बाबू ने थाना नहीं खाया है तो टेंशन ना लो, खाना एक टाइम ना खाने से वो मर नहीं जाएगा। कहते हैं आदमी गलती कर सीखता है। ध्यान से सुनो, सिर्फ आदमी, औरत नहीं। राइट। अरे दीदी, इतना भी रायता मत फैलाओ कि रिश्तेदारों के लिए एक अलग आईडी बनाना पड़े। देखो, हर ट्यूशन में 5 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो सिर्फ अपनी क्रश के चक्कर में जाते हैं, इनकी पढ़ाई का तो पता नहीं, लेकिन इनसे ज्यादा पंक्चुअल आदमी कोई नहीं होता। 5 बजे के ट्यूशन में 4:30 बजे पहुंचे रहते हैं। एक होता है टीचर का फेवरेट, इसका सारा काम कंप्लीट होता है। एक ऐसा बंदा जिसको हमेशा डाउट होता है साले ट्यूशन का टाइम इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ता है। फिर आते हैं वो जो सिर्फ मजे करने आते हैं, इनको सिर्फ लास्ट सीट से मतलब, ताकि हंस कौन रहा है पता ना चले। फिर आता है वो बंदा जो ट्यूशन में होने के बाद भी ट्यूशन में नहीं होता, क्योंकि ये ट्यूशन टप रखा होता है। ये सिर्फ पहले दिन आता है, उसके बाद ये सीधे उस दिन आता है जब इसके घर में पता चल जाता है कि ये ट्यूशन की फीस। यार आज मेरा मूड बहुत ऑफ है। okay. चल मूवी देखने चलें? नहीं यार मुबीन, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे यार कैसी बात कर रही है, मैं हूँ ना, अकेले चला जाऊंगा। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या लोग मेरे से परेशान है या मैं लोगों से परेशान हूँ? मुझे कभी कभी सोचकर हंसी आती है कि मैंने पढ़ाई करने के लिए फोन लिया था और अब पढ़ाई नहीं करता। संभावना नाम था उसका, अब उसके लौटने की कोई संभावना नहीं। दुनिया का कोना कोना देख चुका हूँ, बस अब ससुराल देखना बाकी है। कौन बनेगा आर्यन का ससुराल? सुनो, अपनी बचपन की कोई बात बताओ। तुझे पता है मैं बचपन में ना सबको चद्दर उठ के डराया करती थी। ऐसे कैसे? अब तो चद्दर की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना। अरे क्या हो गया यार, घर वाले मेरा हाथ पीला करा रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? पर मुझे तो पिंक कलर पसंद है ना। महंगे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता। okay. इंसान बड़ा तब बनता है जब उसके पुराने कपड़े छोटे हो जाते हैं। भैया बेस्टी लेक साइड हो जाए। बेस्टी के लिए? हाँ भैया। कि तुम्हें क्या लगा लोग समझते तुमको क्यूटी है? क्या बात है, तुम्हें क्या लगा लोग समझते तुमको क्यूटी है? फिल्टर लगा के बोलती नेचुरल ब्यूटी है। अच्छा शायरी, कि इस खाली से दिल में कोई ना कोई तो रहना चाहिए। इस खाली से दिल में कोई ना कोई तो रहना चाहिए, और मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, बस आपकी जैसे एक बहना चाहिए। हेलो बेबी। हाय बेबी, कहाँ पे हो? तुम्हारे दिल में। कितनी बार बोला जहाँ पे इज्जत नहीं होती वहाँ पे रहना नहीं चाहिए। यार जब हम 13-14 साल के हुआ करते थे ना, उस टाइम पे 20-21 साल के बच्चे रिलेशनशिप में रहते थे। अब हम 20-21 साल के हो चुके हैं, तो अब 13-14 साल के बच्चे रिलेशन में आ चुके हैं। ये चुल्लू भर पानी खाने का। भैया एक्स के लिए शायरी हो जाए। एक्स के लिए? हाँ भैया। कि तुम हमारे दिल से ऐसा खेल बैठी हो। क्या बात है, तुम हमारे दिल से ऐसा खेल बैठी हो, और कल तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे अमावस की रात में चुड़ैल बैठी। देखो गाइस, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ मैं नहीं, बस घर को छोड़ के। हमारी मम्मी पूरा दिन YouTube पे मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर की रेसिपी देखती है, लेकिन शाम को बनना हमारे घर में कद्दू ही है। ये कद्दू लौकी टिंडे ने हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर रखी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो?
यार बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी, बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो थी और हिंदी में देखने का मजा आया। और आरएम पे बात आई तो मैं बताना चाहता हूँ, आरएम का वो जो है वर्ल्ड वाइड हैंडसम बना था ना, लेकिन वो न्यूज फेक थी। लेकिन यार मैं हेटर्स को बोलना चाहता हूँ, ना आरएम ने बोला मुझे नंबर वन आना है, ना उसने जबरदस्ती बोला, उसको फालतू का ट्रोल कर रहे थे फालतू का। यार फेक न्यूज होगी ना, न्यूज तो फेक थी, लेकिन यार आरएम अगर फर्स्ट भी आ जाता तो तुम लोगों का क्या जाता? हाँ। हैंडसम है वो यार, क्यों नहीं है? मतलब कि सक्सेसफुल लीडर है वो। हाँ, और हैंडसम भी है वो यार, ऐसे थोड़ी किसी को कुछ भी बोल दो। बहुत मतलब कि बहुत सारे फैन है उसके और बहुत ही हैंडसम है वो। उसको हेनरी कैवल से बोले हेनरी कैवल हैंडसम है, ये वो यार, ये कुछ नहीं होता, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अगर अपनी जगह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है वो, बहुत ही मतलब कि हैंडसम है। उसको ऐसे ट्रोल फालतू में कर रहे थे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा है उसने बोला कि मुझे नंबर वन करो, नंबर वन करो, उसको ट्रोल कर रहे हो यार। ये बहुत गलत था, मुझे देख के दुख हो रहा था यार, फालतू में ट्रोल कर रहे हो। और आप लोग कमेंट करके बताओ इस बार नंबर वन पे कौन हो सकता है। अब मैं चाहता हूँ आरएम को रखो यार, इनको सबक सिखाओ। या क्या है ट्रोल बन सकता है कोई, मतलब कि हैंडसम है वो। और हेटर्स यार जलना छोड़ दो भाई, अपना जलते जलते मर जाओगे तुम लोग और कुछ कर नहीं पाओगे। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।